Come on. Suhani, what is done in school? मैम अभी तो फर्स्ट चैप्टर ही करवा रहे हैं। ओके कम ऑन सुहानी, हमारा जो बाकी है वो वाला चैप्टर कर दे एंड रेस्ट थ्री ध्याना सौम्या एंड धैर्य। मैं जो इसको सुहानी को जो एक्सप्लेन करती हूँ वो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन वो एक्स्ट्रा है जो आपको ये चैप्टर में बहुत यूजफुल होगा, तो पे अटेंशन। ओके ओके मैम। यस मैम। सुहानी रीड। मैम मेरा ना न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स है ना, उसमें इंजेशन से बाकी है उसमें। यस स्टार्ट रीडिंग। ओके इंजेशन। द फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ टंग एंड च्यूड। Ruminants have sharp incisors and large molars to bite and chew grasses. They also have powerful jaw muscles. Okay, ingestion in ruminant. Ingestion is what, Suhani? What is the meaning of ingestion? का मतलब क्या? Ma'am, it means we are taking food. Okay, ingestion is taking in food. Ruminants have sharp incisors. उनके teeth जो होते हैं sharp incisors and molar, जिसकी वजह से वो food को bite भी कर सकते हैं और chew भी कर सकते हैं, और उनके jaws भी बहुत powerful होते हैं ताकि वो अच्छे से chew कर सके। नहीं, digestion। हाँ, after being chewed once, the food passes down the 2 to 3 feet long. After being chewed once, the food passes down the 2 to 3 feet long oesophagus. The oesophagus leads into the stomach. The stomach of a ruminant have 4 chambers: rumen, rectum, omasum, and एबोमेसम। ध्याना वीडियो क्यों ऑफ है? ध्याना वीडियो ऑन करो। ओके सी, डाइजेशन आफ्टर बीइंग च्यूड द फूड पासेस 2-3 फीट लॉन्ग ईसोफेगस। एनिमल्स को भी ऐसे ईसोफेगस होती है। सी एनिमल्स आल्सो हैव ईसोफेगस, सो आफ्टर फ्रॉम हियर फूड पासेस थ्रू ईसोफेगस। ओके आप लोग को दिख रहा है, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है देखो, स्टमक को फूड पार्ट में डिवाइड किया है, वो तो हमारी टेक्स्ट बुक में भी है, देख लो। मैम तो एवरी एनिमल हैव ईसोफेगस। हाँ, ईसोफेगस इज देयर इन एवरी एनिमल एंड ह्यूमन। ईसोफेगस, अदर नेम ऑफ ईसोफेगस इज फूड पाइप थ्रू विच फूड पासिस। ओके सो आफ्टर बीइंग च्यूड वंस द फूड पासिस डाउन 2-3 फीट लॉन्ग ईसोफेगस। Then esophagus leads to stomach. मतलब देखो, esophagus से खाना कहाँ जाता है? सीधा stomach में। The stomach of a ruminant has a 4 chamber. Ruminant देखो, हमारा जैसे human being का 1 stomach होता है, ruminants जो animals होते हैं, grass eating animals जो होते हैं, उनको stomach is divided into 4 chamber, 4 parts में divided है। And what are these 4 parts? Rumen, reticulum, omasum and abomasum. Dhyana, pay attention here. So, rumen ka 4 parts mein divide hai. See in this picture, you can see 4 parts of stomach. Stomach is divided into 4 parts. Dharia, can you see? Yes, ma'am. Soumya, Dhyana, can you see? Dekho. Yes, ma'am. भाई दे रहा है ना, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। Yes.
नाउ फर्स्ट पार्ट इज रूमेन. रूमेन इज द लार्जेस्ट चैम्बर. देखो ये जो रेड पिंक कलर का है ना वो पूरा बड़ा फर्स्ट पार्ट है स्टमक का, उसको RUMEN रूमेन कहा गया है. लिख लो धैर्य सौम्य एंड ध्याना, लिख लो. रूमिनेंट्स स्टमक इज डिवाइडेड इंटू फोर चैम्बर. मैम फिर एक बार रिपीट करना ना. मैम रूमन क्या लिखना है? रूमन रूमिनेंट्स चैम्बर. रूमिनेंट स्टमक हैज फोर चैम्बर. फर्स्ट इज रूमेन. सेकेंड इज रेटिकुलम. थर्ड इज ओमेसम. एंड फोर्थ इज एबोमेसम. दिख रहा है सबको? कैन एवरीवन सी? यस मैम. यस मैम. रूमिनेंट स्टमक आर डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट, दैट इज रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम. फोर पार्ट्स. This is first chamber. Rumen is first chamber. Reticulum second chamber. Omasum third chamber. ये भी लिख दो धैर्य सौम्य ध्याना. चैम्बर. यस मैम. मैम वो ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है क्या? अब दिखाई दे रहा है ना? यस मैम. यस मैम. स्क्रीन ब्लर है, ज़ूम मत करो. रिटर्न राइट फास्ट. डन मैम. ओके. सो red rumen is the first part. Read Suhani. Rumen first wala jo hai first part of the stomach, the first chamber hai. Read. Rumen. The rumen helps in storing the large quantity of food that has been quickly consumed. The food is partially digested here and is now called curd. The curd is then brought back to the mouth, re-chewed and re-swallowed in a process called curd chewing. The rumen has billion of bacteria and protozoa which break down the carbohydrate and cells
cellulose found in hay and grass. ध्यान ना, पे प्रॉपर अटेंशन, आप ध्यान दो. ऐसा ऐसा क्या कर रहे हो, आप सुन भी रहे हो ये क्या रीड कर रही है? मैंने ऐसे उसको रीड करने को नहीं बोला. देन पे प्रॉपर अटेंशन. सी रूमन क्या होता है, रूमन क्या क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स इन स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड. जो जल्दी जल्दी में ये काऊ और वो जो खा लेते हैं तो वो पहले रूमन में डाल देते हैं खाना फटाफट स्वेलो करके. द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड हियर. जो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, थोड़ा डाइजेस्ट होता है, पार्शियली मीन्स लिटिल, तो उस फूड को कर्ड कहा है. ओके सुहानी, द कर्ड इज देन ब्रॉट बैक टू द माउथ. जब वो फ्री बैठते हैं तो वो रूमन में से खाना वापस लेके और उसको च्यू करते रहते हैं. एंड रीस्वेलोइंग इन द प्रोसेस कॉल्ड कर्ड च्यूइंग. The rumen has billions of bacteria and protozoa which break down the carbohydrate called cellulose into found in hay and grass. Rumen में बहुत सारे bacteria होते हैं ये chamber में, तो जो grass को और hay के hay को cellulose को digest करने में help करे. Okay? Continue Suhani. धैर्य आपको समझ में आ रहा है? धैर्य. Yes ma'am. Okay. मैम yes, पर जब यह ह्यूमन बीइंग होता है तो हम जब खाना यहाँ पे वापस लाने की कोशिश करते तब हमको वॉमिटिंग आती है, पर जब ये काउ ऐसे वापस करता है. हमारी और उनकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है. हमारे स्टमक में 4 चैम्बर्स नहीं होते, उनके स्टमक में होते हैं. वो ऐसे ही डिजाइन किया हुआ है ताकि वो लोग ये प्रोसेस कर सके. हमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है. हम तो अच्छे से च्यू करेंगे तो हमको डाइजेस्ट हो जाता है. ओके यस. रेक्टिकुलम. द रेक्टिकुलम हेल्प्स इन मूविंग द स्वेलोव्ड फूड बैक इनटू द माउथ फॉर थ्रू आउट. च्यूइंग मतलब एकदम अच्छे से च्यू करना. थ्रू च्यूइंग द रेक्टम opens into the omasum. Okay, reticulum. देखो, rumen के बाद second chamber reticulum है. The reticulum helps in moving the swallowed food back into the mouth. जो खाना वो लोग ने पहले खा लिया है वो वापस लाने में reticulum जो second chamber है stomach का ruminants का वो हेल्प करता है फॉर थरो च्यूइंग. द रेटिकुलम ओपन. रेटिकुलम किस में खुलता है? ओमेसम में. सी यू कैन सी हियर कहां रेटिकुलम है और कहां ओमेसम है. दिख रहा है सौम्य, धैर्य, ध्याना? यस मैम. मैम ये जो रेटिकुलम है वो रूमन के नीचे है ना? हाँ, रूमन के नीचे है. दिखा ना? यस. नाउ थर्ड इज ओमेसम. द ओमेसम एब्जॉर्ब्स एक्सेस वाटर. जैसे हमारे में हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होता था, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और मिनरल्स ले लेते थे हमने जो भी खाना खाया है उसमें से. वैसे ही इसमें ओमेसम होता है जो चैम्बर वो सारा एक्सेस वाटर ले लेता है. एंड एबोमेसम क्या करते हैं, द वॉल्स ऑफ एबोमेसम सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस. एबोमेसम डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं ताकि डाइजेशन के वक्त फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो सके. जैसे हमारे स्टमक में भी था ना, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं एट द टाइम ऑफ डाइजेशन, वैसे ही इसमें भी है. ओके नाउ एब्जॉर्प्शन सुहानी. यस. एब्जॉर्प्शन बिगिंस इन द फोर चैम्बर्ड स्टमक, बट द मेन एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन्स आर द इंटेस्टाइन्स. द फूड फ्रॉम द एबोमेसम पासेस लाउडली इंटेस्टाइन where it mixes with the secretion from the pancreas and the liver. Most of
the digestion of carbohydrate, protein, and fats take place here. Several villi are present here, which help in increasing the surface area of absorption. The small intestine leads into large intestine. The main function of large intestine is to absorb water and eliminate the undigested food as feces. Okay, abhi dekho. Absorption begins in four-chambered stomach, but the main absorptive organ kya hota hai? It is intestine. We know that. जैसे हमारे में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, वैसे रूमिनेंट्स जो होते हैं उनको इंटेस्टाइन होती है, उसमें एब्जॉर्प्शन टेक्स पार्ट. द फूड फ्रॉम द ओबोमेसम, ओबोमेसम में से फूड पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इनको भी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वेयर इट मिक्सेस विद द सिक्रेशन फ्रॉम पैंक्रियाज में से जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट होते हैं और लीवर में से जो जूस सीक्रेट होते हैं उसके साथ मिक्स होती है. मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक्स प्लेस हियर. सेवरल विली आर प्रेजेंट. जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे ना, विली जो मैंने आपको बताया था ना. हाँ, तो सेवरल विली आर प्रेजेंट हियर ऑल्सो, विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर absorption. The small intestine leads into, फिर इसमें से small intestine large intestine में खुलता है. The main function of large intestine, हर एक की large intestine का main function यही है कि वो water और minerals ले ले और undigested food fecus के form में निकाल दे. Is that clear? Fecus is two number. Clear till here everyone? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am, clear. So Suhani, यहाँ हमारा chapter खत्म हो गया. Yes. Now Soumya, Dhairya and Jana, ये textbook में से आपको जो भी doubt हो lesson 2 में मुझे बताओ, I will explain. लेसन टू में ओके मैम. फर्स्ट एंड सेकेंड पेज पढ़ो, उसमें कोई डाउट हो तो बताओ. और सुहानी आप अपने टेक्स्ट बुक में से देख लो. मैम ये जो हमने पहले जो पढ़ा ना न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो उसमें फाइव स्टेजेस होते हैं. लाउडली बोलो, लाउडली बोलो. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है ना, हम्म, उसमें वो फोर फाइव स्टेजेस होता है. हाँ हाँ, तो वो ह्यूमंस में नहीं होते हैं? ह्यूमंस में वो फाइव स्टेजेस नहीं होते? एनिमल्स, हम एनिमल्स की कैटेगरी में आ गए बेटा, तो हमारे में ये सब होता ही है. हाँ, तो फिर ये जो फाइव स्टेजेस है वो कोई पार्टिकल्स होते हैं छोटे, मीन ये इंजेशन है बेटा? वो पार्टीशन नहीं होते, उसको प्रोसेस बोलते हैं. जैसे डाइजेशन एक प्रोसेस है, वैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, दीज ऑल आर प्रोसेसेस. ओके ओके. यस, फर्स्ट एंड सेकेंड पेज रीड करो और मुझे बताओ ध्याना, सौम्या एंड धैर्य एनी डाउट देन. ओके मैम. ध्याना रीड फर्स्ट एंड सेकेंड पेज एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी. ओके मैम. मैम ये क्या है? ये क्या? ये मैम वो देखो, बकल कैविटी के बाद जो इसोफेगस है ना, उसका पार्ट ही है. उसको सिर्फ डार्क करके बताया है, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन नहीं है.
ओके मैम। एंड मैम ये जो एम्बियो मींस एम्बियो है ना, क्या काम पे अमीबा? हाँ अमीबा, हाँ अमीबा है तो वो हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है ऐसे भी? हाँ, हाँ, हाँ वो माइक्रोस्कोप से, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो वो मैम एक साथ ही रहते हैं या अलग अलग छूट जाते हैं? नहीं वो पानी में मिलते हैं हमको बेटा। नहीं पानी में भी वो ऐसे अलग नहीं हो सकते? हाँ अलग ही होते हैं। अच्छा मैम, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट वेर इट इज मैम, इट इज इन 12th पेज अमेजिंग फैक्ट। ओके जो हमको कैल्शियम जो नहीं मिलता वैसे कैल्शियम का बना हुआ होता है उसका शेल। To drink water. Yes. सौम्या आपका वीडियो क्यों ऑफ है? Diana, where are you? Dare video on karu to main dekhu. Ma'am, Dare ki Diana. Dare. Yes, ma'am. वीडियो ऑन करो मैं देखूं आपको। टेक्स्ट बुक आ गई है ना अब आपके पास? यस मैम आ गई। ओके नाउ सी 13 एंड 14 पेज नंबर भी पढ़ लो।
सौम्या 14 पेज नंबर पे आओ ना, तब ये ब्लू बॉक्स स्वीट्स एंड टूथ देके जोर से पढ़ना है, मैं बोलू तब। ओके मैम। मैम ये मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ में ऐसा लिखा है दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8, मतलब इसका मीन्स ऐसा है कि 6 to 8 में हमारे सारे मिल्क टीथ गिर जाते हैं। 6 to 8 इयर्स के बीच में, 6 to 8 स्टैंडर्ड नहीं, 6 to 8 इयर्स के बीच में। Yes, ma'am. अगर किसी के लेट निकले तो क्या? हाँ वो कोई कोई रेयर होता है तो कोई नहीं। मैम मेरे तो थोड़े लेट ही निकले थे। हाँ क्योंकि किसी किसी को लेट भी गिरते हैं टीथ। Yes, ma'am. मेरे कभी तो 2 या 3 ही गिरे। Yes, रियाना बोलो। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, बोलो। पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा है, आप क्या बोल रही हो? आप क्या बोल रही हो समझ में ही नहीं आ रहा है। यस मैम उसकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैम स्टॉकेट इन द गम मींस व्हाई कैन आई गो, क्यों जाना है ध्याना? आपको कहाँ जाना है ध्याना? अरे मैम मेरी मम्मी किचन में बुला रही है इसलिए। हैं लेक्चर छोड़ के बुला रही है? नहीं नहीं मैम वो 2 मिनट का कुछ काम है। वीडियो ऑन करके जाओ, 2 मिनट में आ जाओ वापस। डन मैम, नो डाउट। ये संडे हमारी एग्जाम है पता है ना, चैप्टर 1। यस मैम। यस मैम तो उसमें आप मुझे कैसे पूछोगे? हाँ मुझे कैसे पूछोगे? क्वेश्चन तो सबके कॉमन ही रहेंगे, क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो क्या है एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स? सब कुछ, एवरीथिंग, वन लाइन आंसर, आंसर इन शॉर्ट, आंसर इन ब्रीफ भी है। ब्रीफ शायद नहीं हो, और अगर अगर मैं पूछूंगी तो वो भी बहुत इजी होगा जो आप लिख सको। ओके मैम एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स और सब वो सब होगा? हाँ सब होगा। संडे को मैम कितने बजे? वो तो आज साक्षी मैम इन्फॉर्म कर देंगे। ओके।
मैम आई रीड स्विच एंड टूथ डिके मैम याना को आ जाने की रीड करो मैम डिफाइंस आएंगे हाँ ध्यान आप दे अरे सुहानी आप डिफाइन ट्यूशन बुक में लिख दो ओके मैम आपने जो टाइप्स ऑफ टीथ लिखवाया था ना तो उसमें थोड़ा जोर से बोल सुहानी हाँ मैम आपने जो टाइप्स ऑफ टीथ लिखवाया था ना उसमें मोलर्स में क्या लिखवाया था मोलर्स में यस ग्राइंडिंग टीथ मोलर्स में ग्राइंडिंग टीथ लिखवाए थे ना मैंने यस ग्राइंडिंग टीथ ओके मैं 14 नंबर के पेज में आ गई ओके चलो समय स्टार्ट रीडिंग यस मैम स्विच एंड टूथ डिके Normally, bacteria are present in our mouth, but they are not harmful to us. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. See chapter 5 to know what an acid is. The acid gradually damage the teeth. This is called tooth decay if it is not treated in time. It causes toothache and in extreme cases result in tooth loss. Chocolate sweets, soft drinks, and other sugar products are the major factor of tooth decay. Therefore, one should clean the teeth with a brush and dentures and dental flosses. A special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles at least twice a day and rinse the mouth after every meal. Also, one should not put dirty fingers on or any unwashed object in the mouth. Okay. Ma'am, abhi baki hai. Sometimes when you eat in a hurry. वो अलग है एक मिनट पहले ये समझा दूँ ना sweets and tooth decay. Sweets की वजह से आपके जो tooth खराब हो जाते हैं decay means खराब होना. अगर आप अच्छे से खाना खाने से पहले या बाद में ब्रश करते नहीं हो तो वो बैक्टीरिया अंदर ही अंदर रहेंगे और आपके टीथ को खराब कर देंगे क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो भी शुगर जो होता है उसमें जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और कभी कभी आपने आपके मुंह में से स्मेल भी आती है दैट इज बिकॉज एसिड प्रोड्यूस्ड इन माउथ Chocolate, sweets, soft drinks and other sugar products are major culprits of tooth decay. इस सब की वजह से ज्यादा tooth decay होता है. Therefore, one should clean the teeth with brush or dentures
फ्लॉस मतलब ऐसा थ्रेड आता है जैसे हम टूथपिक से नहीं साफ करते, तो फ्लॉस इतना पतला थ्रेड आता है, फ्लॉस एकदम पतला थिन थ्रेड आता है जिससे हम ऐसे ऐसे करके भी टीथ को क्लीन कर सकते हैं। हाँ मैम मुझे पता है। Also, one should not put dirty fingers or unwashed objects in the mouth. Continue. मैम अब मैं रीड करूँ? हाँ करूँ। तेरी आप रीड करो। Yes, ma'am. Sometimes, when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cause or get hip. I have doubt. किसको बोलो? मैम ये R I N S E means rinse मतलब देखो rinse मतलब गार्गल करना, खाने के बाद पानी से उसको गार्गल कर देना ताकि कुछ भी स्टिक हुआ वो निकल जाए। ओके मैम अब रीड करूं? मैम मैं रीड करूं। Hiccups or a choking sensations. This happen when food particles enter the windpipe. The windpipe carries air from the nostrils to the lungs. It runs adjacent to the food pipe, but inside the throat, air and food share a common passage. Then how is food prevented from entering the windpipe? This is the act of swallowing a flap like a valve closes the passage of the windpipe and glides the food into the food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we feel shocked, get hiccups or cough. Or cough. Okay. See, hiccups मतलब हमको जो हिचकी आती है, ये तो मैंने उस दिन आपको explain किया था ना? क्या है दाने? ध्याना, what is hiccups? Let me know. मैम हिकअप्स मीन्स हिचकियां। क्यों आती है? क्योंकि मैम हम कभी कभी बात करते करते खा लेते हैं या जल्दी जल्दी में खा लेते हैं, हंसते हैं खाते करते, तो वो मैम वो मैम वो हमारी विंड पाइप में चली जाती है इसलिए। हाँ वो हमारी विंड पाइप में। मैम अगर फूड अगर विंड पाइप में अगर चला जाए ना तो इसलिए हमें हिकअप्स आते हैं। ओके अभी 16 और 17 पेज रीड करो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, अच्छे से रीड करो। ध्यान दे के रीड करो। लेकिन अच्छे से आपने दो पेज रीड किए तो
मुझे क्यों होस्ट बना दिया? मैंने कहा होस्ट बनाया ही है तेको। हाँ मैम देखो मैं होस्ट मैंने नहीं बनाया होस्ट। यस मैम शी इज होस्ट। यस मैम शी इज होस्ट। मैम मैंने आपको फिर से बना दिया। ओके चलो जल्दी रीड करो तो ध्यान आपको रीड करना मिलेगा। मैम पेपर कितने मार्क्स का होगा? पेपर शायद 25। ओके ध्याना पहले ये ब्लू बॉक्स रीड कर लो फिर टाइम अप हो जाएगा। ओके मैम। द वर्किंग ऑफ द स्टोमेटा वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। द वर्किंग ऑफ स्टमक इट इज नॉट स्टोमेटा। सॉरी मैम। इन 1822 अ मैन नेम्ड Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. He was brought to an American army doctor, William Beaumont. The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged. Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. He made some wonderful observations. Beaumont found that the stomach was churning food. मैम churning मतलब क्या होता है? Churning is a process, chewing के बाद का जो process होता है ना वो churning होता है। Okay. Its wall secreted of filled with Fluid, which could digest the food. He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. Stomach में जो digestion complete होता है तभी small intestine अपना पाथ खोलते हैं। ओके
ये दूसरा वाला यहाँ पे ऊपर पिक्चर दिया हुआ है। ये दूसरा वाला भी बॉक्स रीड कर लो। वो भी मैं ही करूँ? यस तू ही कर ले। Sometimes you may have experienced the need to pass watery stool frequently. That is diarrhea. आपको diarrhea loose motion हो जाता है ना? That is diarrhea. This condition is known as diarrhea. It may be caused by an infection, food poisoning or indigestion. It is very common in India, particularly among children. Under several conditions, it can be fatal. Fatal मतलब जो आपको ज्यादा हार्म कर सकता है, डेंजरस। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। डायरिया शुड नॉट बी निग्लेक्टेड, मतलब अगर आपको ज्यादा लूज मोशन हो गए, आपको बार बार जाना पड़ता है, तो आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाएगा, क्योंकि पानी और सॉल्ट दोनों कम हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो आपको उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके ओके। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड, द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिसॉल्व इन इट। दिस इज कॉल्ड oral rehydration solution, that is ORS. अभी सौम्य, आपकी स्कूल में क्या चल रहा है बेटा? मैम हमारी स्कूल में है ना, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड पेज चला है। और सुहानी, आपकी स्कूल में फर्स्ट चैप्टर आधा चला है? यस मैम, और अब खत्म भी हो जाएगा एक दो लेक्चर में। मैम मेरा फर्स्ट खत्म भी हो गया, सेकंड के क्वेश्चन आंसर लिखा रहे। फर्स्ट सेकंड एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। ओके मैम, मैम हमारे में तो फर्स्ट में अभी 10 टॉमिक्स तक ही हुए हैं। ओके हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये जो बाकी का है ना, सौम्य, धैर्य और ध्याना, ये चैप्टर में बाकी के पेज रिवाइज कर लेना, नहीं समझ में आए वो सब अंडरलाइन कर देना। एंड ध्याना, ये संडे साइंस की टेस्ट है, चैप्टर वन, आपको मैसेज आ गया होगा। यस मैम। सो रीड चैप्टर थरली एंड क्वेश्चन आंसर आपकी स्कूल में जो लिखवाए है वो भी आपको लर्न करने है, ऐसा नहीं कि नहीं लर्न करना। ओके मैम, ओके मैम। मैं से भी पूछूंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पूछूंगी, मैं आपकी स्कूल में से भी आपको क्वेश्चंस पूछूंगी। क्लियर मैम? हमारे कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखा है। अरे अभी अभी नहीं लिखा है, बाद में तो लिखवा सकते हैं ना। मैम हमको तो थोड़ा थोड़ा समझाते हैं और थोड़ा थोड़ा लिखवाते हैं। ध्याना, आपको जो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं, आप ट्यूशन बुक में मुझे परसों लिख के बताना। पुट टुडेस डेट एंड राइट एंड शो मी। ओके ओके मैम। और मैम टाइमिंग 10:30 से 11:30 ही रहेगा। वो तो साक्षी मैम बताएंगे। चलो बाय बाय। ओके बाय बाय मैम। बाय।